खेतीबाड़ी के काले कानूनों खिलाफ दिल्ली विखे अपने हकों हितों की लड़ाई लड़ रहे किसानों राहत देने के लिए सरबादा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के मुखी डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय वालों पहलकदमी करदियां वड्डे उपराले किए जा रहे हैं ताजो किसानों के संघर्ष को कामयाब बनाउंदियां सुख सहूलत देकर उन्हों का साथ दिता जा सके। इस संबंधी जानकारी दिंदियां डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय ने दस्या कि पहले पड़ा तहत किसान आगुआं ते होर धार्मिक जथेबंदियां जो कि दिल्ली विखे मोर्चा लगाई बैठियां ने किसानां लई लंगर तैयार कर रही ने उन्हां नूं सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वल्लों 20 टन सुके राशन दियां रस्तां आदि भेजियां गईयां जदकि हुण सरबत दा भला ट्रस्ट वल्लों ठंड दे इस मौसम च किसानां दी सेहत नूं ध्यान च रखदियां वड्डी मात्रा च लोड़ीदियां दवाइयां ते 10 माहिर डॉक्टरों दियां मेडिकल टीमां भेजन तों इलावा 3000 दे करीब गर्म कंबल 3000 जैकटां 12000 स्लीपर चप्पलां ते किसानां नूं सहयोग दे रहे निहंग सिंघां दे घोड़ियां लई 5 टन खुराक भेजन तों इलावा धुंद दे इस मौसम दौरान किसी भी तरह की अणसुखावीं घटना तों बचाउण लई दिल्ली जा रहे अते उत्थे मौजूद ट्रैक्टर ट्रालियां ते लगाउण लई 1 लाख रिफलैक्टर भी भेजे गए ने। आजाद टीवी न्यूज़ के लिए पटियाला तो राकेश जिंदल की रिपोर्ट। जिस तरह असं सारे जानते हैं कि किसान जरा अंदोलन है इसलिए दिनों दिन जोर फड़ रहा है जो कि पंजाब से शुरू होया हरियाणा ने पूरा साथ दिता नाल नाल बाकी स्टेटा जड़िया ने वो भी हम मिलदी जा रही ने। यह महसूस किया गया जो चले ने कि राशन पानी की लड़ है इन्होंने हालांकि सारे ट्रालिया वाले जड़े ने किसान जिन्हें भी ने घरों दो चार चार महीने का राशन नाल लैके चले ने फिर भी असं उन्होंने कहा कि तुम शंभू बैरियल से 25 तरीक न जो सारे कट्ठे हुए हैं कि तुम अपना राशन इदा ही रखो अगे जाके काम आएगा तो असी ट्रस्ट वालों 20 टन जो असं राशन सुका राशन ये असी उसे भेजे जो कि लंगर साढ़े चलते रहे उत्थे उस तो बाद ही धुंद का मौसम है तो असी जो रिफलैक्टर से तकरीबन 1 लाख के करीब रिफलैक्टर जोड़े ट्रैक्टर के ज ट्रालिया के पिछे लगाए बाकी सारे उत्थे नाल भेज दते पानीपत तो साढ़े सारे जो स्टिकर लग रहे हैं। अगे देखा कि मौसम जिदा हूँ इसे काफ़ी सर्दी का मौसम आ रहा है वैसे लोग तैयारी करके गए हैं लेकिन फिर भी ब्लैंकट्स की लोड़ सी उन्होंने जैकट्स की लोड़ सी सॉक्स हो गई सारिया तो इन चीज़ों की लोड़ सी ये सारी चीज़ असी सप्लाई की उत्थे उन्होंने हूँ जी साडे एक सैनिटाइजर हो गए मास्क हो गए ये भी चीज़ा दी गई फिर निगाह चाया कि जो घोड़े ने जो साडे निहंग सिंघां ने डेरे लाए ने उत्थे उन्हां वास्ते जरा चारा जरूरी सी वो चाहिए सी ते असी पानीपत गडाउन लैके उत्थे तकरीबन 50 क्विंटल का चारा जरा साडे कोल उत्थे पिया होया परसों असी 13 क्विंटल चारा जरा सी निहंग सिंघां नूं जाके उन्हूं देता सी कि तुहाडे घोड़ियां का चारा हैगा क्योंकि लंगर तो चल ही रहे ने लेकिन इन्हां घोड़ियां दी जिहड़ी खुराक है इहदे बारे भी सोचना बहुत जरूरी सी। इस तो बाद हो गया मेडिकल कैंप चले आ क्योंकि काफ़ी लोग बीमार पै रहे थे उतों ही डिमांड आई थी कि कैंप लगने बहुत जरूरी ने फिर साढ़े इतों मैंबर है जोगिंदर सिंह जिंदू की अपनी अगवाई के हेठ असी 10 डॉक्टर पहले गए उत्थे 8 डॉक्टर फिर गए सो 18 डॉक्टर जोड़े कि वारी वारी अपनी ड्यूटी जी निभा रहे हैं जी सेवा कर रहे थे उत्थे तो यह कैंप ला दिता गया दवाइया जड़िया कि असं उत्थे मुकण नहीं दे रहे जिस तरह की दवाई भी चाहिए ने वो दवाइया सारिया असं उत्थे दे रहे हैं सारे हूँ जी लोड़ पई है अज असी इतने हाँ कि 5 जड़िया एंबूलेंस ने ये भी जरूरत से अज असी जड़िया 4 एंबूलेंस साड़िया नॉर्मल एंबूलेंस है 1 एंबूलेंस के बीच जरा सा वेंटीलेटर सिस्टम सारा वो है वो भी असी भेजा है वेंटीलेटर वाली साड़ी वैन जिते सा कैंप लगे ने जो सा डॉक्टर है उत्थे खड़ी होएगी जे बाई चांस लोड़ पैंदी तो डॉक्टर उत्थे अवेलेबल ने तो उस वैन के नाल लैके असी जे कोई किसान नूं जरूरत पड़ जाती है तो असी उन्होंने सही टाइम के उत्ते होस्पिटल पहुँचाने की पूरी कोशिश करांगे सो असी ऑलरेडी कर रहे हैं तो बस यही कहना चाहाँगा सारियां नूं कि इस तरह अंदोलन नूं असी कामयाब करना है तो हर किसी इंसान का फर्ज बनता है कि जो भी असी सेवा कर सकते किसी भी रूप के वो असी जरूर करिए असी